Hi everyone, I'm going to react on a Haryanvi song again and ये गाना है अमित सैनी रोहतकिया जी का। गाने का नाम है डायलॉग और इस गाने पे रिएक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है हमें बंटी जी ने। सो थैंक यू बंटी जी। और बंटी जी का कहना है कि इस गाने पे अगर मैं रिएक्शन करूँगी तो मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं बढ़ के 10,000 हो जाएंगे। फिर दूसरे कमेंट में उन्होंने लिखा है कि अगर आपने इस पर रिएक्ट किया तो आपके सब्सक्राइबर्स 500 बढ़ जाएंगे। तो चलिए 500 बढ़ेंगे या फिर सीधे 10,000 हो जाएंगे, वो तो कोई बात नहीं है, सब्सक्राइबर्स जब बढ़ने होंगे तो बढ़ जाएंगे। बट फिलहाल हम रिएक्शन शुरू करते हैं ऑन डायलॉग बाय अमित सैनी रोहतकिया जी, रिक्वेस्टेड बाय बंटी जी। Let's start the reaction. रगने बड़े बड़े मार दिए डायलॉग बोली तू ए दिख शर्म न चांद तारा में तेरा भाई वीर फीलिंग का सुती ले गया थारा सोचा मैं बस कल्ला फन्ने खासू सारा मैं अरे 24 साल में जो कदे सीखा नहीं था अरे 24 साल में जो कदे सीखा नहीं था वह 2-4 दिन में तसल्ली से सिखा गई रहे पूरा गेम पलटा गिरा जिपी मन्ना कोई आटना वाली बोतल में दिखा जिंदगी वो सांस होने की ओ सोरा देख वाटना मैं बोले यार तेरे बिना मर जाऊंगा बोली दूर कर जिपी मन्ना कोई आटना रदार वाली बोतल में दिखा जिंदगी और सांस होने की ओ सोरा देख वाटना मैंने काटा सुनी छोड़ घनी पाई वा फरोड़ मैंने काटा सुनी छोड़ घनी पाई वा फरोड़ इस पाई आले नारा घना माड़ा गिरा लाडू लाडू क्या क्या मना बोरा बोरा खा गिरा घर क्या कचाना छोरा पागल बना गिरा लाडू लाडू क्या क्या मना बोरा बोरा खा गिरा घर क्या कचाना छोरा पागल बना गिरा ओहो वाओ, ये बड़ा अच्छा लगाया मुझे। इन्होंने अपने टीम मेंबर्स को भी दिखाया गाने में। that's really sweet। छोटा भाई शेयर करिए और यू अपना खुद का चैनल भाई अमित सैनी रोहतकिया सारे भाई शेयर कर लियो, सब्सक्राइब कर लियो। जयराम जी ऑन कैमरा लेके आए हैं एंड that's really nice एंड बहुत ही अच्छा गाना था यार। बहुत मतलब इट वॉज अ वेरी सीरियस सॉन्ग, एक्चुअली हार्ट ब्रेक सॉन्ग था, लेकिन इनिशियली मेरे को हंसी इसलिए आ रही थी बिकॉज वो जो लिरिक्स हैं यू नो he was saying लाडू लाडू बोल के राइट काइंड ऑफ लाडू लाडू कह के लड्डू लड्डू कह के मुझे भोरा भोरा खा गई रे। तो भोरा भोरा मतलब थोड़ा थोड़ा होता है क्या, धीरे धीरे समथिंग। तो वो जो इनिशियल के लिरिक्स हैं जिस टाइप की पिक्चराइजेशन है ना, तो मुझे हंसी आ रही थी। बट एंडिंग ऑब्वियसली वो बहुत दुख में है एंड उनको धोखा मिला है, तो बाद में लगा सैड यू नो। बट बहुत ही अच्छी तरीके से शूट की है स्टोरी एंड आई रियली लाइक द सॉन्ग बिकॉज गाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी इस गाने की। तो आई वुड से कि मेरे ख्याल से अमित सैनी रोहतकिया, आई डोंट नो, आप मुझे बताइए वो किस तरीके के गाने करते हैं, लाइक यू नो सैड सॉन्ग्स और एकदम सैड ट्यून वाले गाने भी हैं, या ये इसमें सैडनेस है गाने में लेकिन बहुत ही एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल वाला सैड सॉन्ग है ये। तो जो बीट्स हैं, जो म्यूज़िक है वो काफ़ी हाई एनर्जी है। तो आई रियली लाइक्ड the feel of the song and thank you Banty ji for requesting me to react on this song. I really loved it and अब मतलब काफ़ी हरियाणवी सिंगर्स के गाने मैंने कर लिए हैं, यानी कि अमित सैनी के और यू नो गुलजार चन्नी वाला के तो मैं करती ही थी एंड उसके अलावा ये थाड़ा न्योली वाला के। तो आई एम रियली इन्जॉइंग डू सेंडिंग मी रिक्वेस्ट ऑफ मैनी मोर सॉन्ग्स एंड मैं फ़िलहाल जो मेरे पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं उन पे रिएक्शंस करती रहूँगी एंड आई विल बी यू नो पोस्टिंग एवरी रिक्वेस्टेड रिएक्शन एंड एज आई से यू नो। इनफैक्ट बंटी जी ने कहा था कि ये करके तो 10,000 हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स, तो आई होप मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और उसके लिए आप लोग सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें सो दैट आपको जब भी मैं कोई गाना अपलोड करूँ नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो टिल देन कीप सेफ एंड स्टे हैप्पी। आई विल सी यू सून, बाय बाय।